पार्थ, यदि तुम इस युद्ध को आज ही समाप्त करना चाहते हो तो एक बात का स्मरण रखना, सूर्यास्त होने में बस कुछ ही समय शेष रह गया है। अपने सामने खड़ी बाधा पर प्रहार करो पार्थ। ये मेरी अंतिम चेतावनी है वृक्षसेन, हट जाओ मेरे मार्ग से। चेतावनी देने में समय व्यर्थ मत कीजिए, द्वंद कीजिए धनंजय। वृक्षसेन, तुम्हारा पुत्र तुम्हारे ही भांति कुशल योद्धा है कर्ण, मित्र कर्ण। आज तुम्हारा पुत्र वो कर रहा है जिस पर तुम्हें गर्व होगा। शीघ्रता करो पार्थ, सूर्यास्त में बस कुछ ही समय शेष है। शीघ्रता करो पार्थ, सूर्यास्त में बस कुछ ही समय शेष है। पर्वतास्त्र है पुत्र, मुष्टिकास्त्र का प्रयोग करो। सूर्यास्त होने वाला, वर्ष को कैसे जीते? गोचर और मामा श्री, सूर्यास्त होते ही इन पांडवों का विजय का स्वप्न भी अस्त हो जाएगा। क्या होगा यदि तुम अपनी इस मूर्खता को एक छल में परिवर्तित कर दोगे तो क्या हो जाएगा? वज्रव्यूह की विशेषता क्या है दुर्योधन? प्रहार, केवल प्रहार, परंतु रक्षा में असक्षम। जरा देखो दुर्योधन, सभी योद्धा अपने राजाओं के साथ आक्रमण में व्यस्त हैं। बिना किसी रक्षा नीति के हम इसका लाभ उठा सकते हैं दुर्योधन? क्या होगा यदि तुम धर्मराज युधिष्ठिर को बंदी बना लो तो?
यदि पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को हमने बंदी बना लिया दुर्योधन, तो हमारी विजय निश्चित। साम दाम दंड भेदे अस्माकं विजयं निश्चितम्। अस्माकं विजयं निश्चितम् दुर्योधन। आपका विचार उत्तम है मामा श्री। असमान अस्त्रों के साथ द्वंद्व करना नियमों के विरुद्ध है धर्मराज, स्मरण है ना आपको? मामा श्री, सामने आकर द्वंद्व कीजिए, कायरों के भांति नहीं। युधिष्ठिर, उसके लिए मैं हूं ना, मैं उपस्थित हूं। यदि तुम युद्ध चाहते हो तो मैं तत्पर हूं। ये बात परंतु स्मरण रखना, तुम्हें परास्त करने का अर्थ यह है कि इस युद्ध पर पहली विजय हुई और इसकी विपरीत परिस्थिति का भी यही परिणाम होगा। राजा दुर्योधन अवश्य। साधु पुत्र, साधु। आशा है कि इस युद्ध के पश्चात तुम जैसा योग्य और वीर राजा हस्तिनापुर को मिलेगा। अरे 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 सहदेव, कहाँ चल दिए? शुभ कार्य करने जा रहे हो ना? मामा श्री का आशीर्वाद नहीं लोगे? आओ प्रणाम करो। षड्यंत्र रचते समय आपकी तलवार जैसी जीप तो बहुत चलती है, मगर आज आपकी तलवार कैसे फिसल रही है मामा श्री? नहीं दुर्योधन, वो क्या है ना सहदेव, हर वस्तु अपने समय से चलती है। सावधान पुत्र, अब तो पार आएंगे।
जाकर उस पताका को ले आओ। योधन मेरे साथ युद्ध में व्यस्त है, जाओ। केवल तेरी अंतिम सीखे सुनेंगे अंतिम सीखे। अरे कोई रोको उस बात।